ये बात मीडिया बंधु नहीं कह रहे हैं। आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है, आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं इतना कह रहा हूं सर कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि जो पुरानी बॉडी है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है। आपके पास मैं नहीं कह रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है। देखिए अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है, आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा, इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो। और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था और ये बच्चों का 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। सर सवाल पूछो, एक एक करके सवाल एक बार। सर 11 महीने से पूरा खेल बंद हुआ पड़ा था, 31 दिसंबर के बाद अगर ये टूर्नामेंट आप लोग कराते तो एक साल युवाओं की बर्बाद होती, ये आपने कहा है। लेकिन सर सवाल ये उठ रहे हैं कि नंदिनी नगर में कराया और साक्षी ने सबसे पहले ट्वीट करके ये कहा कि वहां पर अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो। तो कह रहे नियमों की अनदेखी की गई, वो उस पर क्या कहना है, सस्पेंड किया। वो पूरी बात मैंने बता दी। सर जेपी नड्डा जी से क्या बात, क्या मुलाकात हुई, क्यों गए थे मिलने आप, उन्होंने बुलाया था या आप खुद गए थे? देखिए वो मेरे नेता हैं, हम उनसे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई।
सर कुछ पोस्टर्स बाहर लगे हुए थे, दबदबा है, दबदबा पहले था वहीं रहेगा, भगवान ने दे रखा है, इन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया इस फैसले के बाद। हाँ लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा, ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया।